नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा और विधि विधान से पूजन के साथ चांद के दर्शन कर व्रत खोला। वहीं नगर की रॉयल्स ग्रुप की महिलाओं ने जीवन साथी के लिए रखे गए व्रत पर सामूहिक पूजन कर पति की लंबी आयु की कामना की। बुधवार को सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जल रहकर शाम को चौथ माता की पूजा की, रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला। वहीं करिया रोड स्थित अग्रवाल रॉयल्स ग्रुप द्वारा तीसरी बार करवा चौथ व्रत सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें की 2 दर्जन से अधिक एकत्रित महिलाओं ने करवा माता की विधि विधान से पूजा की। इसके बाद रात्रि के समय चंद्रमा देखकर अपने अपने पतियों के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोला। वहीं इससे पूर्व सुहागिनों ने श्रृंगार कर चौथ माता की पूजा अर्चना कर सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई और कथा सुनी। सुहागिनों ने पूजा में कुमकुम, लच्छा, चूड़ियां, साड़ी, श्रृंगार का सामान और करवे के साथ प्रसाद चढ़ाया। शाम को महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सास बहु नंद भाभी के साथ पूजा की। वहीं व्रत करने वाली महिलाओं ने 16 सुहागिनों को भोजन कराकर उन्हें सुहाग की वस्तुओं को उपहार स्वरूप भेंट किया। पूजा अर्चना के बाद सुहागिनों ने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद दिया। वहीं करवा चौथ व्रत को लेकर पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली नवविवाहितों में विशेष उत्साह देखा गया। वे सुबह से ही इस व्रत की तैयारी में जुट गई और देर शाम को 16 श्रृंगार कर चंद्रमा के दर्शन के लिए कभी छतों से तो कभी अपने बालकनी से निहारती नजर आईं। वहीं करवा चौथ व्रत के संबंध में पंडित कमल किशोर शास्त्री ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर इस व्रत का पालन सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर किया जाता है। भीतरवार से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। और क्या 15 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संगीता जैन है। मैं प्रॉपर भीतरवार की निवासी हूँ। हम यहाँ पे आज सब लोग सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं करवा चौथ का फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये फंक्शन हमारे रॉयल्स क्लब के द्वारा ही रखा जाता है। पिछले 3 वर्षों से हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। सभी लोग उसमें खूब इंजॉय करते हैं, खूब मजा करते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं। कितनी महिलाएं इस ग्रुप में? लगभग इस ग्रुप में हमारे कम से कम 15 महिलाएं ऐड हुई है। अच्छा, आप इस ग्रुप के माध्यम से अपने क्षेत्र की, शहर की अन्य महिलाओं को क्या मैसेज करना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी सब लोगों को कि अगर अपन अपने घर से नहीं निकलेंगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अपन अपने घर ही घर में रहेंगे, जैसे ये पूजा है, अगर आप सम्मिलित होकर पूजा करते हैं सभी लोगों के साथ में, तो अपन लोगों को एक्सपीरियंस भी मिलता है हर चीज का, सब लोगों के साथ में घुलने का, मिलने का, सब चीज का अपन लोगों को इस चीज का मजा भी आता है। क्या इस ग्रुप की तरह अन्य महिलाओं को भी ऐसा ही ग्रुप बना के हर वर्ष पूजा करनी चाहिए? सब लोग, सारी महिलाएं एकत्रित होकर अपने अपने घर में 5 के ग्रुप में, 10 के ग्रुप में, 15 के ग्रुप में, सारे ग्रुप में अगर ऐसी इसी तरीके की पूजा करेंगी तो उन्हें बहुत ही मजा आएगा। धन्यवाद।